हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे शब्द, पद और रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर। ठीक है, शब्द किसे कहते हैं? किसे कहते हैं शब्द? वर्णों के सार्थक समूह से जो विकार उत्पन्न होता है उसे शब्द कहते हैं। जैसे मैंने कहा कमल, तो कमल शब्द कैसे बना? क प्लस अ प्लस म प्लस अ ल और अ, कमल। तो ये बन गया क म ल। इससे क्या समझ में आया? इससे हमें ये समझ में आया कि इन वर्णों को जोड़कर बन गया शब्द। समझ में आ गया कि वर्णों के सार्थक, सार्थक मतलब जिसका मीनिंग निकले, सार्थक समूह से जो विकार उत्पन्न होता है उसे शब्द कहते हैं। ठीक है, और पद किसे कहते हैं? ये जो शब्द है, जब इसी शब्द का हम वाक्य में प्रयोग कर लेंगे तो यही शब्द पद बन जाएगा। जब तक ये स्वतंत्र है तब तक ये शब्द है, लेकिन जब ये वाक्य में बंध जाएगा तब इसे पद कहेंगे। जैसे मैंने कहा कमल बहुत सुंदर फूल है, तो जो कमल शब्द था वो वाक्य में बंध गया तो वो पद बन गया। अब हम उसे वाक्य, अब हम उसे शब्द नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये होता है शब्द और पद। समझ में आया? अब हम देखेंगे रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर। वाक्य दो प्रकार के होते हैं बच्चों, वाक्य के दो भेद होते हैं। पहले होते हैं अर्थ के आधार पर और दूसरे होते हैं रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हमें नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के भेद दो प्रकार के होते हैं, सॉरी, रचना के आधार पर वाक्य के भेद तीन प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं सरल वाक्य, दूसरे होते हैं संयुक्त वाक्य और तीसरे होते हैं मिश्र वाक्य। अब ये सरल वाक्य क्या होता है? सबसे पहले हम सरल वाक्य देखेंगे कि ये सरल वाक्य होता क्या है। अब उद्देश्य और विधेय आपको पता ही होगा, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। जिसके बारे में बात की जाए वह होता है उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ कहा जाए वो होता है विधेय। उदाहरण देखेंगे, कुछ उदाहरण मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं आपको उद्देश्य और विधेय बता रही हूं कि उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य और विधेय, जैसे मैंने कहा सूरज दौड़ रहा है, ये एक वाक्य है। इस वाक्य में जब मैं कहूंगी सूरज तो वो हो जाएगा उद्देश्य। कैसे पता पड़ा कि किसके बारे में कहा जा रहा है? सूरज के बारे में कहा जा रहा है। सूरज के बारे में कहा जा रहा है इसलिए सूरज होगा उद्देश्य, और सूरज के बारे में जो भी कुछ कहा जा रहा है वह होता है विधेय। उद्देश्य और विधेय, सूरज के बारे में जो भी कुछ कहा जा रहा है, सूरज 6 बजे उग रहा है, सूरज किसी लड़के का नाम लेके कह दे सूरज दौड़ रहा है, तो जो भी सूरज के बारे में कहा जाए वो सब होगा विधेय, और विधेय जिसके बारे में बता रहा है वह होगा उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य और विधेय आपको समझ में आ गया। अब हम देखेंगे सरल वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं? सरल वाक्य मतलब सरल नाम से ही क्लियर हो रहा है, सिंपल। सिंपल मतलब जिसमें एक ही मुख्य क्रिया होगी, एक ही मुख्य क्रिया होगी उसे कहेंगे सरल वाक्य। इसकी एक ट्रिक है बच्चों, इसकी ट्रिक ये है कि कर्ता एक से ज्यादा हो सकता है। कर्ता एक से ज्यादा हो सकता है तो मतलब कर्ता एक से ज्यादा होता है तो चलेगा, लेकिन मुख्य क्रिया एक ही होती है। मुख्य क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया किसे कहते हैं? जो भी हम काम करें उसे क्रिया कहते हैं।
और मुख्य क्रिया किसे कहते हैं? मुख्य क्रिया कैसे पहचानेंगे कि जब हम वाक्य में से उसको हटा देंगे क्रिया को, तो वाक्य अधूरा हो जाएगा, उसका कुछ मीनिंग नहीं निकलेगा, उसे कहते हैं मुख्य क्रिया। ठीक है, तो इसमें एक ही मुख्य क्रिया होती है, लेकिन वो मुख्य क्रिया कई पदों वाली हो सकती है, उसमें कई पद आ सकते हैं। ठीक है, उदाहरण कुछ मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ, वह लड़का है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर, वह लड़का है। ठीक है, कुछ उदाहरण मैं लिख लेती हूँ, फिर मैं आपको बोल के दिखाऊंगी। फिर मैंने लिखा, वह फुटबॉल खेला। तीसरा उदाहरण में लिख लेती हूँ, वह दूध लेने जा रहा है। अब देखो, इसमें वह लड़का है, इसमें मुख्य क्रिया कौन सी है? है, मुख्य क्रिया कौन सी होगी? है। क्यों? क्योंकि है निकालने के बाद में वाक्य अधूरा हो गया, है ना। वह लड़का है, अब इसमें क्रिया ऐसी दिख नहीं रही है, जिसमें क्रिया नहीं दिखती है वो है क्रिया मानते हैं हम। वह फुटबॉल खेला, इसमें क्रिया कौन सी होगी? खेला। वह दूध लेने जा रहा है, जा रहा है क्रिया होगी। मुझे इसमें आपको ये समझाना है कि इसमें एक ही पद की मुख्य क्रिया है, इसमें भी एक ही पद की मुख्य क्रिया है, लेकिन इसमें तीन पद की मुख्य क्रिया है, जा रहा है, इसमें तीन पद आ गए। तो पद अधिक हो सकते हैं, लेकिन मुख्य क्रिया एक ही होगी। इसके आगे के उदाहरण में आपको दिखाती हूँ, वह भागता जा रहा था, इसमें मुख्य क्रिया क्या होगी? भागता जा रहा था, है ना। चार पद है इसमें। आगे का उदाहरण देखिए, वह रोटी खाकर विद्यालय जाता है, तो मुख्य क्रिया क्या है? जाता है। ठीक है, रोटी खाकर क्या है? ये पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, इसमें मुख्य क्रिया हमें पहचाननी है। अब एक उदाहरण मैं आपको दिखाती हूँ, वह हंसकर गाकर मुस्कुराकर प्यार से बात कर सबका दिल जीत लेता है, तो इसमें मुख्य क्रिया कौन सी है? इसमें मुख्य क्रिया है जीत लेता है। हंसकर गाकर मुस्कुराकर ये सब क्या है? ये पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पहचानना होगा कि मुख्य क्रिया कौन सी है। ठीक है, तो इसमें आपको ये दिखा कि एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, और इसमें एक पूर्वकालिक क्रिया पहचाननी रहती है। ये ट्रिक है कि इसमें हम पूर्वकालिक क्रिया पहचानेंगे। पूर्वकालिक क्रिया कई पदों वाली हो सकती है, लेकिन एक ही होती है। ठीक है, कर्ता अधिक हो सकते हैं, ये ट्रिक है। और किताबी भाषा में जिसमें एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, जैसे वह क्या है? वह है उद्देश्य, और लड़का है विधेय। वह उद्देश्य, फुटबॉल खेला विधेय, वह उद्देश्य, दूध लेने जा रहा है विधेय। इसके कुछ उदाहरण और मैं आपको बोल के दिखाती हूँ, जैसे वर्षा हो रही है, वर्षा क्या होगा? इसमें उद्देश्य, और हो रही है विधेय। दूसरा उदाहरण है, रविवार को भी हम पढ़ेंगे, उद्देश्य क्या है? रविवार को भी हम पढ़ेंगे, विधेय। राम खाना खाकर सो गया, उद्देश्य क्या है? राम, विधेय खाना खाकर सो गया। ठीक है बच्चों, अब दूसरा हम देखेंगे उदाहरण, दूसरा हम भेद देखेंगे इसका, संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य आपको समझ में आ गया होगा, अब हम देखेंगे संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहेंगे? संयुक्त वाक्य,
संयुक्त वाक्य किसे कहेंगे? संयुक्त वाक्य बहुत सिंपल होता है बच्चों, और इसको समझना और आसान होता है, पहचानना बहुत आसान होता है। संयुक्त वाक्य में और, या, इसलिए, किंतु, परंतु, इन शब्दों का प्रयोग होता है। ये शब्द कौन से हैं सारे? ये सब सारे शब्द संयोजक, ये मतलब दो वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं। इसमें दो वाक्य होते हैं और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए और, या, किंतु, परंतु, इसलिए, लेकिन, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो जिसमें भी आपको ये दिखे ये संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। ठीक है, कुछ उदाहरण मैं बताती हूँ। रात हुई और तारे निकले, तो इसमें देखो, रात हुई और तारे निकले। तो इसमें मैंने कहा रात हुई, इसका अलग मीनिंग निकल रहा है, आगे का हम कुछ नहीं भी देखे तो इसका मीनिंग निकल रहा है, और तारे निकले इसका भी मीनिंग निकल रहा है। ये दो वाक्य है जो दो वाक्यों को जोड़ा है और लगाकर, इसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। ठीक है, और उदाहरण हम देखेंगे। वह सोता रहा, एक वाक्य, इसलिए गाड़ी निकल गई, गाड़ी निकल गई दूसरा वाक्य। मतलब एक वाक्य को हटाने पर दूसरे वाक्य को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये दोनों वाक्य एक दूसरे पर आधारित नहीं होते हैं। ये दोनों वाक्य क्या होते हैं? ये दोनों वाक्य सरल वाक्य होते हैं। दो सरल वाक्य मिलाकर संयुक्त वाक्य बनता है। ठीक है, जैसे उसने समझाया परंतु मैं ना समझ सका। परंतु, उसने समझाया एक वाक्य, परंतु लगाकर क्या बोल दिया आगे, मैं ना समझ सका। तो ये दोनों वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं है। ठीक है, बरसात आ गई वरना मैं जीत जाता, बरसात आ गई एक वाक्य, मैं जीत जाता दूसरा वाक्य। मतलब मैंने जब कहा बरसात आ गई तो आपको ऐसा लगा वाक्य पूरा हो गया है, लेकिन आगे मुझे और बोलना है, बरसात आ गई वरना मैं जीत जाता, तो मैं जीत जाता दूसरा वाक्य है, है ना। इसके कुछ उदाहरण और हम देख लेते हैं। माँ बाजार गई और सब्जियां लेकर आई, आप खाना खाएं और आराम करें, आप चाय पियेंगे या कॉफी, राम बीमार है इसलिए स्कूल नहीं गया, है ना। या और इसलिए, ये सब संयुक्त वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? मिश्र वाक्य किसे कहेंगे? जब एक वाक्य दूसरे वाक्य के बिना अधूरा हो जाए, कुछ भी मीनिंग नहीं निकले। जब मैं कुछ आपसे कहूं तो आपको ऐसा लगे कि आगे कुछ और बोलने वाले हैं मैडम, शायद ये वाक्य पूरा नहीं हुआ है, तो वो मिश्र वाक्य होता है। ठीक है, देखिए ये स्वतंत्र वाक्य नहीं होते, इसमें एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, है ना, और ये दूसरे वाक्य पर आश्रित होते हैं, आधारित होते हैं। यदि नहीं होते तो उनका अर्थ नहीं निकलता है। यदि ये एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, आधा ही छोड़ देते हैं, तो उसका मीनिंग नहीं निकलता है। इसमें क्या लगाते हैं? कि, जो, वो, जैसा, वैसा, जैसा, जो, जिसे, उसे, ये शब्द लगाकर वाक्य बनाए जाते हैं। कुछ उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही शाम हुई, जैसे ही शाम हुई, अब मैंने कहा जैसे ही शाम हुई, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो क्या कि वाक्य पूरा हो गया, जैसा कि मैंने संयुक्त में बताया? नहीं, आगे कुछ और कहना है ना, ये वाक्य तो अधूरा है, तो आगे मुझे और कुछ कहना पड़ेगा तो ये वाक्य कंप्लीट होगा। जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई,
चली गई, ठीक है, ये लगाया कॉमा। जैसे ही शाम हुई, अगर मैं ये नहीं लगाऊं तो ये वाक्य अधूरा है, इस वाक्य को इसकी जरूरत है, बिजली चली गई। अब हुआ है वाक्य पूरा, है ना। तो एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है, उसे कहते हैं मिश्र वाक्य। उदाहरण देखिए, जब नई कक्षा में दाखिला होगा तब हम पढ़ेंगे, जब राम आया तो शाम चला गया, जब आंधी आई तो धूल उड़ने लगी, ठीक है। अब मैं कुछ उदाहरण आपको बोल के दिखाती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। साधारण वाक्य मैं बोलूंगी, थोड़ा सा टाइम दूंगी, आप स्टॉप कर लेना वीडियो को और उसको मिश्र वाक्य में बदलने की कोशिश करना, ठीक है। पहला वाक्य मैं बोल रही हूँ, अच्छे लड़के मेहनती होते हैं। ये कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य। इसको मिश्र वाक्य में बदलो, मैं बताती हूँ। जो लड़के मेहनती होते हैं वे परिश्रमी मेहनती होते हैं, जो लड़के मेहनती होते हैं वे अच्छे हैं, है ना। दूसरा उदाहरण देखेंगे, छतरी वाले आदमी को बुलाओ। इसका वो मिश्र वाक्य में कैसे बदलेंगे? उस आदमी को बुलाओ जिसके पास छतरी है, तो उस और जिसके, है ना। वह कपड़े खरीदने के लिए बाजार गया, उसे कपड़े खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। माँ के जाते ही बालक रोने लगा। इसको मिश्र में कैसे बदलेंगे? जैसे ही माँ गई वैसे ही बालक रोने लगा। अब मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलेंगे, यदि आप घर आए तो आपसे बात हो। इसको संयुक्त में कैसे बदलेंगे? आप घर आइए और बात कीजिए, ठीक है। मेरे पिताजी वे हैं जो कुर्सी पर बैठे हैं। इसको संयुक्त वाक्य में कैसे बदलेंगे? वे मेरे पिताजी हैं और कुर्सी पर बैठे हैं, ठीक है। जब वर्षा शुरू हुई तब मोहन आ गया। वर्षा शुरू हुई और मोहन आ गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको बच्चों, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो आज के वीडियो में यही था, धन्यवाद।